सामने आई है। पत्रकार वो जो लोगों का आईना दिखाता है, सच का या आईना दिखाने वालों को मुंह बंद किया जा रहा है। ऐसी दैनिक स्थिति आ चुकी है अपने देश में, पत्रकार का मुंह बंद किया जा रहा है। जो उन्नाव में कांड हुआ है, पत्रकारों को लेकर उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? बिल्कुल ही बहुत ही संवेदनहीन ये घटना है। चाहे पत्रकार हो, पत्रकार तो चौथा स्तंभ होता है देश में। सच्चाई से लिखने वाले आदमी को मनोवैज्ञानिक तरीके से ये तोड़ा गया, उनकी हत्या की गई, बहुत ही घोर निंदा है। जितनी भी निंदा की जाए कम नहीं है। हम सब ने उनके लिए 2 मिनट का मौन करके आज चंद्र मार्च निकाला है। साथ में जो चाइना बॉर्डर पर हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं, उन सबको शहीदों के लिए भी हमने चंद्र मार्च, उनकी आत्मा की शांति के लिए, परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में कष्ट देने की क्षमता भगवान से प्रार्थना की गई है, प्रदान की जाए। और बेहद जितनी घटना है कितनी भी निंदा की जाए कम नहीं। भैया जी ने बताया कि इस फिलहाल में पत्रकार को गोली मारने की हत्या को लेकर बातें हमारे बुजुर्ग पत्रकार महोदय साहब से ये पूछा सर, पत्रकारों की ये स्थिति आ गई, लोग अब गोली मारना सर ये हो गया। शासन और प्रशासन हम दोनों को इस चीज़ के कसूरवार ठहराते हैं कि जो पत्रकार भाई अपनी जान जोखिम में डाल के खबर को निकाल के लाते हैं और सही खबरों के कारण उनकी हत्या कर दी जाती है, मगर शासन प्रशासन मौन रहता। ऐसे ही हमारे एक पत्रकार भाई को कानपुर में गोली मार के हत्या कर दी गई, मगर शासन प्रशासन आज तक मौन है। कहाँ से उस परिवार का पालन पोषण हो, क्योंकि परिवार का पालन पोषण बहुत जरूरी है। तो एक ही व्यक्ति होता है परिवार को चलाने का, और वो भी मर जाए तो क्या होगा उस परिवार का। और पत्रकार तो समाज का आईना होता है, समाज का दर्पण होता है, अच्छाई और बुराई उसमें दिखाने की क्षमता होती है। मगर उस पत्रकार को जब अच्छाई और बुराई के बीच में जब फंस जाता है तो बुराई के हाथों मारा जाता है और उसका पूछा हाल कोई नहीं होता। भैया जी ने, हमारे पत्रकार भैया जी ने बताया कि पत्रकार एक आईना है, अगर आईना आदमी को दिखाया जाता है उसको मुंह बंद करने के लिए लोगों को गोली मारनी पड़ रही है, ये यहाँ की दैनिक स्थिति आ चुकी है। हाँ सर, क्या बताना चाहते हैं? मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि जितने भी हमारे पत्रकार भाई हैं सबको एक एक गन दिलाया जाए और पत्रकार की सुरक्षा की जाए। हम कानपुर में जो निर्मम हत्या की गई है पत्रकारों की, खूब निंदा करते हुए हम लोगों ने आज उनकी आत्म शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला और 2 मिनट का मौन रखा है। और हम आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार की भरपूर निंदा करते हैं कि जो देश का चौथा स्तंभ है, जो सच्चाई का मार्ग दिखाता है, किस प्रकार सरेआम उसकी हत्या कर दी जाती है, पुनः इसकी बार बार निंदा करते हैं। आज गोली मार के हत्या की जो आई पर हमारे सारा पत्रकार समाज और भैया जी सब मिल के यहाँ पे शांति मार्च निकाली गई और उनकी आत्मा शांति के लिए कहना चाहता हूँ कि जो दिन दहाड़े पत्रकार भाइयों की हत्या की जा रही है, क्या उसके खिलाफ शासन प्रशासन क्यों नहीं कुछ कर रहा है, क्यों चुप बैठा है, मुंहचप्पी लगाए हुए हैं? हमारे पत्रकार भाइयों को दिन दहाड़े आखिर क्यों मारा जा रहा है? हम लोगों का अगर यही हाल रहेगा, क्या प्रशासन खुद रह पाएगा? क्या प्रशासन अपने बचाव के लिए या हम लोगों के लिए क्या कर पाएगा?
का वही साथ दे सकते हैं।